हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज की इस वीडियो का टॉपिक बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, और आप और हम सभी लोगों को कुछ न कुछ दिक्कत होती है। देखिए, अभी इवेंट चल रहा है लैंड एक्सपेंशन परमिट जो होता है वो मिलने का, अभी जो इवेंट जो चल रहा है जिसमें कि हमें ये बताया कि बोट में हमें 5 परमिट मिलेंगे और उसको हम कलेक्ट हमें करना है बोट से। आपके सामने स्क्रीन पे सारा सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, फोटो भी दिख रही है। पर देखिए, अभी तक जो मेरी बोट जो है उसके बोट के वहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टिकर, ये अभी भी पज़ल पीस आ रहे हैं। जबकि आपको पता होगा बुधवार के दिन जो है वो पज़ल पीस वाला इवेंट चला था जिसमें कि 5 पज़ल पीस आने थे। उसके बाद गुरुवार के दिन क्रॉप वाला इवेंट आ गया था और आज शुक्रवार के दिन जो है वो एक्सपेंशन परमिट मिलने वाला दिन चल रहा है। पर मेरी बोट में लगातार ही पज़ल पीस आते जा रहे हैं। जबकि इसका उल्टा हमारे हुड में ऐसा हुआ था कि हमारे हुड के 2 व्यक्तियों के पास में एक भी पज़ल पीस नहीं आ रहे थे। तो देखिए, पहले मैं इस बोट को जो है वो मैंने इसको फील कर दिया है, पर मैंने इसको रवाना नहीं किया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो पहले मैं इसको रवाना कर देती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या अब मेरी बोट में मुझे लैंड एक्सपेंशन परमिट जो है वो मिलने वाले हैं या नहीं। ये देखिए, बोट को हमने रवाना कर दिया, या क्या मालूम ये लोग वापस से मुझे कहीं पज़ल पीस ही देने वाले हों। पर देखिए, पज़ल पीस तो नहीं देने वाले हैं क्योंकि इसका निशान नहीं है। पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये मुझे लैंड एक्सपेंशन परमिट भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि पास में यहाँ पे जो गिफ्ट का एक निशान जो बना हुआ था वो इन्होंने नहीं बना रखा है। यानी कि नेक्स्ट ऑर्डर सिंपल सा ऑर्डर है। जबकि आप देख रहे हैं इवेंट जो अभी चल रहा है वो एक्सपेंशन परमिट देने वाला चल रहा है, पर इन्होंने अभी भी मेरी बोट के अंदर एक्सपेंशन परमिट नहीं दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको बताती हूँ। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम तो बता दी, अब हम बात करते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि हम जब गेम खेलते हैं तो हमारे सामने कई तरह की प्रॉब्लम आती है। बहुत सी बार वैली नहीं चलती है, कभी वैली चलती तो कुछ और दिक्कत आ जाती है, या कोई भी ग्लिच आ जाता है, कभी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं पर वो हमें शो नहीं होती है, या इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे गेम के अंदर आती हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किससे कहें, कैसे उसको प्रॉब्लम को दूर करें। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप सेटिंग में जाइए और जो जहाँ जहाँ मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से देखिएगा, वहाँ जाकर के अगर आप हेल्प मांगेंगे तो गेम चलाने वाली कंपनी जो है वो आपकी हेल्प करेगी और उस जो आपको प्रॉब्लम हुई है उसका सॉल्यूशन वो बताएगी। तो चलिए हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर ये बना हुआ है कोने में लेफ्ट हैंड साइड पर ऐसा निशान, इसके ऊपर क्लिक किया, सेटिंग में गए हम। सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट, उसके ऊपर हमने क्लिक किया। उसको जब हमने क्लिक किया तो उसके बाद इस तरीके से आएगा अकाउंट परचेजेस, गेम प्ले, फीडबैक, है ना, फेयर एंड सेल प्ले, स्टिल नीड हेल्प और कॉन्टैक्ट अस। तो हम कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट अस पर हमने क्लिक कर दिया है और मैंने ये हेल्प पहले ही मांग ली है। मैंने पहले ही लिख दिया था कि मेरे पज़ल पीस आ रहे हैं, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा आई एम गेटिंग पज़ल पीस इन प्लेस ऑफ एक्सपेंशन परमिट, कैन इट बी करेक्टेड। तो क्या यानी कि इसको आप ठीक करके देंगे, ये मैंने लिख करके कंप्लेन अपनी भेजी थी। और उसके बदले में आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या रिप्लाई आया है। 5 से 6 घंटे हो गए हैं मुझे उस कंप्लेन को किए हुए, अब मेरे पास रिप्लाई आ गया है और रिप्लाई आपके सामने है। ये देखिए, हे डियर फार्मर एंड थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, थैंक्स अ प्लेयर लाइक यू एंड यू टुक द टाइम ऑफ इन्फॉर्म अस, वी आर अवेयर देयर वाज अ मिक्स अप विथ द इवेंट रिवार्ड्स एंड आउट डेडिकेटेड टीम इज ऑन टॉप ऑफ इट नाउ एज वी स्पीक। तो ये सारा आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है आपको ये, और साथ ही देखिए लिखा हुआ है यू कैन गेट अप टू 5 परमिट बाय कम्प्लीटिंग 5 बोट ड्यूरेशन दिस इवेंट। यानी कि इस इवेंट के बीच में मैंने जितनी भी पज़ल पीस वाली जो बोट कंप्लीट की थी तो उसके बदले में ये मुझे परमिट वाली बोट देंगे, ये इन्होंने मुझे रिप्लाई लिखा है। और तो अब हम जाकर के, और साथ ही आप देखिए ये भी लिखा है डिड वी आंसर ऑल योर क्वेश्चन, क्या हमने आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। तो हम इसको यस कर देते हैं कि हाँ, और साथ ही रेटिंग करनी है तो मैं रेटिंग करके सबमिट कर देती हूँ, थैंक फॉर रेटिंग आ गया है। और अब हम देखते हैं कि इन्होंने हमें क्या चीज़
जो है वो भेजी है। ये देखिए पैक करते हुए आ रही हूँ मैं, और अब मैं ये देखिए ये कोई गिफ्ट आया हुआ है, अब इसको मैं ओपन करती हूँ। स्पेशल डिलीवर्ड बेस्ट रिवार्ड्स हेड टीम, और मुझे दो जो है वो लैंड परमिट मिल चुके हैं क्योंकि मैंने बोट जो है वो ये करती थी, तो इसको मैं क्लेम कर लेती हूँ। इसके बाद मैंने एक लैंड परमिट की बोट मेरे पास आ गई है और मैंने उसको फिल करके भेज दिया है, क्योंकि इस 5 घंटे के दौरान एक बोट आ गई थी और मैंने उसको फिल कर दिया है। तो टोटल मिला करके मुझे जो है वो 3 लैंड परमिट मिले हैं। अब बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा था उससे, तो मुझे कुछ तो मिला, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूँ मैं कभी बोट में, क्योंकि लैंड एक्सपेंशन परमिट नहीं आ रहे हैं, लगातार पज़ल पीस आ रहे हैं, इस तरीके से मैं भी थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि उसको फील करूँ ना करूँ क्या करूँ। तो इस चक्कर में मेरे जितने भी थे ये कम मिले हैं मुझे, और तो इस तरीके से मैंने अपने लैंड एक्सपेंशन परमिट जो है वो कंपनी से ले लिए हैं जो कि मुझे मिलने चाहिए थे। और ये तो वही चीज़ है, वापस से देखिए ग्लिच लगातार चल ही रहा है, फिर से अभी मैंने खोला था और फिर से वापस दिखा रहे हैं। हमने इसको वापस से क्लेम कर लेते हैं और मुझे ये परमिट मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप लिख करके भेज दीजिए और उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और अगर वो प्रॉब्लम अगर वो दूर कर सकते होंगे तो दूर ज़रूर होगी। और अभी चल रहा है देखिए, ये पुरानी वो मैंने कहा है, अभी चल रहा है ट्रक वाला इवेंट, इसकी वीडियो मैं आपको फिर बना करके बताऊँगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।